Hello everyone, my name is Raj Tilakpal and I am back with the first video on our data analysis tutorial. आज से हम formally data analysis शुरू करने वाले हैं on the Titanic dataset. So I have the Titanic data here. Titanic data में it's के we know that Titanic क्या है, basically एक ship है जो डूब गया था. So उसका ही data यहाँ पे. I have taken this data from a competition in Kaggle. बहुत टाइटैनिक का डेटा बहुत जगह अवेलेबल है, यू कैन गेट इट. सो मैंने क्या किया, आई हैव गॉन अहेड एंड इंपोर्टेड पैंडास. आई हैव इंपोर्टेड द फाइल और मैंने हेड देखा है और मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया कि डेटा को एनालाइज करके बताओ, डज बीइंग अ फीमेल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन द डिजास्टर. फीमेल होने से क्या मेरे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाता है टाइटैनिक में? ऑफकोर्स इसका आंसर येस होगा क्योंकि मूवी हमने सभी ने देखा है, बट वी हैव टू प्रूव दिस थ्रू दिस डेटा. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू डू हियर इज टू असेस द डेटा. राइट, आपको डेटा लर्न करना पड़ता है. यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग योर डेटा. आपको लर्निंग मतलब देखना पड़ता है डेटा को. डेटा में मिसिंग वैल्यूज ढूंढना पड़ता है, फॉल्ट ढूंढना पड़ता है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है कि नहीं वो देखना पड़ता है. ठीक है, बेसिकली ऑल दैट फन स्टफ, क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग करना. ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स जंप इन टू कोड. सो पहले तो हम डेटा का शेप देखते हैं, कितना डेटा है हमारे पास. इफ यू सी डीएफ डॉट शेप, वी हैव द डेटा ऑफ 891 पैसेंजर्स. आउट ऑफ 2200 पैसेंजर्स हमारे पास सिर्फ 891 पैसेंजर्स का डेटा है. एंड यू कैन सी द कॉलम्स, फर्स्ट वी हैव द पैसेंजर आईडी, देन वी हैव सर्वाइव्ड कॉलम जो बेसिकली बोल रहा है कि दैट पर्सन सर्वाइव्ड और नॉट. पी क्लास इज द पैसेंजर क्लास, वो पर्टिकुलर पैसेंजर कौन से क्लास में बिलोंग करता है, ये क्लास वन में, ये क्लास थ्री में. द नेम ऑफ द पैसेंजर, द जेंडर ऑफ द पैसेंजर, द एज ऑफ द पैसेंजर, द नंबर ऑफ सिबलिंग स्पाउस द पैसेंजर वॉज कैरिंग, पेरेंट चाइल्ड. आई डोंट नो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बट विल सी इन द फ्यूचर कि हम लोग क्या करेंगे इन दोनों कॉलम के साथ. देन वी हैव द टिकट कॉलम, जहाँ पे आई थिंक ये टिकट नंबर्स ही हैं, टिकट नंबर्स दिए हुए हैं. यू हैव द फेयर, आई गेस पाउंड्स में है. कैबिन कॉलम, वो पैसेंजर कौन से केबिन में है. और एम्बार्क, एम्बार्क इज अ सिटी जहाँ से टाइटैनिक गुजरने वाला था. सो एस मीन्स साउथहैम्प्टन. सी और क्यू है, सी और क्यू पता नहीं कौन सा सिटी, सिटी का नाम भूल गया मैं, बट वी हैव थ्री सिटीज हियर, साउथहैम्प्टन, एस, सी और क्यू. ठीक है, सो दीज आर आवर 12 कॉलम्स. लेट्स सी रैंडम रोज फ्रॉम द डेटा. अब रैंडम रोज क्यों देखा जाता है, क्योंकि डेटा का टॉप मोस्ट पार्ट और लोअर मोस्ट पार्ट अगर आप हेड और टेल लगा के देखते हो तो व्हाट हैपेंस इज डेटा करप्ट रहता है ऊपर या नीचे. बीच में से आप रैंडम रोज निकालोगे तो इट गिव्स यू अ लॉट मोर सेंस. सो गेट रैंडम रोज, आई एम गोइंग टू यूज अ फंक्शन सैंपल, डीएफ डॉट सैंपल, और यहाँ पे आप जितने भी रोज के नंबर पास करते हो इट गिव्स यू दैट नंबर ऑफ रोज. मैं 10 पास करता हूँ, 10 रोज देगा, बाय डिफॉल्ट 1 था. ठीक है, सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट सीइंग योर डेटा एंड लर्निंग योर डेटा. आपको डेटा में फॉल्ट्स खोजने पड़ते हैं, राइट. एंड फॉर्चुनेटली मैंने डेटा देख रखा है. नाउ इफ यू आर लेजी, नहीं देखना चाहते, आई हैव सीन द डेटा, आई स्टार्ट बाई शोइंग व्हाट द फॉल्ट्स इन दिस डेटा आर एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. ठीक है, और फिर हम इस क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, सो आई विल बी ब्रेकिंग दिस एनालिसिस इन थ्री पार्ट्स. पहला वाला होगा कि आई विल फाइंड फॉल्ट्स, और नेक्स्ट वाला पार्ट होगा आई विल बी क्लीनिंग, एंड देन थर्ड और फर्दर मोर पार्ट्स आ सकते हैं, आई विल सी, जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के ऊपर होगा. नाउ टू फाइंड, आफ्टर फाइंडिंग फॉल्ट्स, मैं जब फॉल्ट्स फाइंड करूँगा व्हाट आई विल बी डूइंग इज डॉक्यूमेंटिंग देम, एक जगह पे लिख के रखूँगा. ठीक है, सो दैट आफ्टर फाइंडिंग ऑल द फॉल्ट्स आई कैन कम बैक टू देम, आई कैन क्लीन अप दोज फॉल्ट्स. सो पहले मैं तो यहाँ पे एक क्वालिटी बोल के पेज बनाऊंगा जहाँ पे आई विल बी नोटिंग ऑल द क्वालिटी इशूज. सो लेट्स स्टार्ट बाई सीइंग प्रोग्रामेटिकली हाउ आवर डेटा लुक्स.
सो मैं df डॉट इन्फो फंक्शन रन करता हूँ पहले. सो वॉट इन्फो डज इज गिव्स यू एन ओवरव्यू. इट गिव्स यू दैट देर आर 891 एंट्रीज इन योर डेटा फ्रेम. 0 से लेके 890 तक देर आर 12 कॉलम्स. पहला है पैसेंजर आईडी और हर कॉलम का आपको इन्फॉर्मेशन. सो इट सेज दैट पैसेंजर आईडी हैज 891 नॉन नल वैल्यूज. टोटल रोज कितने हैं 891, मतलब कोई भी वैल्यू नल नहीं है पैसेंजर आईडी. एंड दिस पैसेंजर आईडी इज इन इंटीजर 64. सर्वाइव्ड कॉलम इज इंटीजर पैसेंजर क्लास. इफ यू गो डाउन टू एज कॉलम इट हैज 714 नॉन नल वैल्यूज, मतलब 200 से ऊपर वैल्यूज हैं जो नल है, ठीक है, और ये फ्लोट में रिप्रेजेंटेड है. इफ यू गो डाउन टू कैबिन, कैबिन में सिर्फ 204 वैल्यूज है हमारे पास, सिर्फ 204 आउट ऑफ 900. सो इस कॉलम का कुछ करना पड़ेगा बिकॉज दिस कॉलम कैन लीड टू एरोनियस रिजल्ट्स इन आवर एनालिसिस. विल सी हम लोग क्या कर सकते हैं इस कॉलम में. तो सीधे सीधे मेरे को ये दिख गया कि कैबिन में गड़बड़ है. एम्बार्क्ड में दो मिसिंग वैल्यूज है, 889 नॉन नल वैल्यूज, दो मिसिंग वैल्यूज, वो भी हम लोग ठीक करेंगे. नाउ मैंने थोड़े फॉल्ट्स खोजे हैं बट लेट्स आई गो थ्रू देम वन बाई वन. बट उससे पहले एक बार डिस्क्राइब चला लेते हैं. डिस्क्राइब क्या करता है कि हर न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर इट गिव्स यू अ लिटिल समरी. इट गिव्स यू काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, द फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल. इफ यू सी एज, हमारा एज द मीन एज इज 29.7, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 14.5, द मिनिमम इज 0.42, एज 0.42, मतलब एक साल से कम. द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 20, द मीडियन इज 28, थर्ड क्वार्टाइल इज 38 और मैक्सिमम इज 80. सो इट गिव्स यू अ लिटिल आइडिया कि हमारा एज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. सेम गोज विद द फेयर. आपका मीन फेयर है 32 पाउंड्स होगा, यस. स्टैंडर्ड डिविजन इज 49, मिनिमम इज 0, मतलब कोई तो था जो फ्री में ट्रैवल कर रहा था. फर्स्ट क्वार्टाइल 7.9, मीडियन 14, 31 इज थर्ड क्वार्टाइल एंड 512. हु इज दिस गाय, बहुत ही अमीर ज़्यादा होगा. सो यू कैन ऑल्सो नोट वन मोर थिंग हियर, मेमोरी यूसेज विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन योर डेटा फ्रेम इज वेरी लार्ज. सो फॉर एग्जाम्पल आप अगर 4 GB का डेटा सेट हैंडल कर रहे हो तो यू माइट स्टार्ट with reducing the, you might start with reducing the size of this data frame. So now let's jump in and see ke kya kya faults hai. So pehla fault to mere ko aise dikh gaya ke cabin has many missing values, matlab 700 se zyada values missing hi hai. So I'll write down cabin has many missing values, theek hai, aur baad mein hum log aayenge is cheez ko solve karenge. और फिर हमने देखा कि एम्बार्क में दो मिसिंग वैल्यूज थे. आई राइट एम्बार्क हैज टू मिसिंग वैल्यूज. देन वी नोटिस के एज में बहुत सारा मिसिंग वैल्यूज था. सो एज हैज मेनी मिसिंग वैल्यूज एंड वी हैव टू वर्क ऑन अ स्ट्रैटेजी विच विल फिल दीज मिसिंग वैल्यूज. और एज में सिर्फ 200 वैल्यूज मिसिंग है, सो इट्स अ कंसिडरेबल नंबर कि हम लोग फिल कर सकते हैं. कैबिन में इट विल बी गुड कि हम लोग कैबिन को ड्रॉप ही करते हैं क्योंकि 700 से ज़्यादा रोल्स फिल करना पॉसिबल नहीं है, उतना डेटा ही नहीं है हमारे पास. बट एज में उतना डेटा है कि हम लोग इसको फिल करने का स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते. नाउ रिमेंबर व्हाट आई सेड अबाउट द मेमोरी यूजेज. एज जो है वो फ्लोट में रिप्रेजेंटेड है. अब एज फ्लोट में आई डोंट नो कितना फ्रूटफुल होगा, बट इफ़ यू आर वर्किंग विद अ बिगर डेटा सेट आप यू शुड चेंज दिस एज टू इंटीजर, ऐसे ही जस्ट साइज रिड्यूस करने के लिए. बट इसमें एक प्रॉब्लम होगा, लेट मी शो यू द प्रॉब्लम. सो इफ आई गो डाउन, इफ आई से df का एज, सो इफ आई शो यू लेस देन 1, मैं इसी को df में पास करता हूँ.
सो देयर आर सम वैल्यूज विच आर लेस देन 1. अब मैं अगर इस पूरे कॉलम को ऑल द वैल्यूज को हम अगर इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, सो दीज वैल्यूज विल गेट कन्वर्टेड टू 0. 0 एज कुछ सिग्निफाई करता नहीं. सो बिफोर कन्वर्टिंग एज टू इंटीजर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू चेंज दीज वैल्यूज विच आर लेस देन 1 टू 1. मतलब अगर 1 साल से कम है बच्चे का एज तो उसको 1 साल मान लेंगे. सो चेंज एज इज लेस देन 0 टू 1 और फिर हम लोग एज का टाइप चेंज करेंगे, एज टू इंटीजर ऐसा लिख दिया. नाउ इफ यू सी सर्वाइव इज अ कैटेगरिकल कॉलम वेयर द कैटेगरीज आर 1 एंड 0 फॉर द पीपल हु हैव सर्वाइव्ड एंड नॉन सर्वाइव्ड नॉट सर्वाइव्ड रिस्पेक्टिवली. क्लासेस पी क्लास भी कैटेगरिकल है. सो यू माइट वॉन्ट टू चेंज इट टू अ टाइप ऑफ कैटेगरी. अब पैंडस में ये कैटेगरी क्या करता है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इन द पैंडस ट्यूटोरियल ऑन कैटेगरी. बट कैटेगरी क्या करता है कि करेंटली आवर डेटा इज फुल्ली डिस्प्लेड इन द रोज इटसेल्फ. मतलब इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में यू हैव द वंस एंड जीरोज इन द एक्चुअल प्लेस. बट कैटेगरी जैसे ही आप चेंज करोगे दिस कॉलम फ्रॉम इंटीजर टू कैटेगरी, सो व्हाट दिस डज इज इट क्रिएट्स अ लुकअप टेबल जहाँ पे वो एंट्रीज में आपके कैटेगरीज को डाल देता है और उसके करस्पॉन्डिंग एक कोड असाइन कर देता है और इंटरनली वो उस कोड को यूज़ करता है और वो करने से इट रिड्यूसेस योर साइज ऑफ द कॉलम्स. सो फॉर एग्जांपल ये एम्बार्क भी हमारा ऑब्जेक्ट टाइप है. इफ़ यू सी एम्बार्क हमारा ऑब्जेक्ट टाइप है. नाउ इफ देयर इज समथिंग ऑब्जेक्ट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस मोर देन इंटीजर. सो इट वुड बी नाइस कि हम लोग इसको चेंज करके कुछ कोड्स दे दें, ठीक है. बट कैटेगरी डज इट ऑल फॉर यू. इट क्रिएट्स अप अ लुकअप टेबल जहाँ पे हर कैटेगरी के लिए इट क्रिएट्स अ कोड. इंटरनली वो इस कोड को यहाँ पे रिप्रेजेंट मतलब रखता है एंड व्हेन इट शोज यू आउटसाइड व्हेन इट गिव्स यू बैक द डेटा फ्रेम इट गिव्स यू द कैटेगरी रिप्लेस्ड बाय द कोड. मतलब अंदर ही अंदर वो कोड को रिप्रेजेंट करता है. सो इट रिड्यूसेस योर मेमोरी यूसेज, ठीक है. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज सर्वाइव डॉट पी क्लास, ये दोनों ही इंटीजर है, इन दोनों को हम लोग चेंज करेंगे टू कैटेगरी एंड दैट विल लीड टू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन आवर मेमोरी यूसेज. तो सर्वाइव्ड और पी क्लास इज इन इंटीजर, एम्बार्क्ड इज इन ऑब्जेक्ट. And same is the case with gender column. आप अगर embark को देखो you can also make it a category. आप अगर gender को देखो sorry you can also make it a category which will reduce your memory usage very much. So embark and gender. Now sibling spouse and parent child, these are two columns which represent almost the same thing. अगर हम इन दोनों को merge कर दें, so if we merge these two हम मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बना सकते हैं विच कैन बी फैमिली, राइट. सिबलिंग स्पाउस मतलब कितने बच्चे थे, पेरेंट चाइल्ड भी आई गेस वही रिप्रेजेंट कर रहा है. बेसिकली इफ वी ऐड दीज टू कॉलम्स इट विल बी अ फैमिली कॉलम और ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो पैसेंजर का डेटा है वो कितना बड़ा फैमिली लेके चल रहा था. सो एस आई बी एस पी एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस कॉलम. हमने सर्वाइव देख लिया, पैसेंजर पी क्लास देख लिया, जेंडर देख लिया, एज देख लिया, ये दोनों के साथ हमने काम कर लिया, काम नहीं किया मतलब देख लिया. फेयर अभी तक नहीं देखा है. केबिन एम्बार्क्ड हो गया है काम. नाउ टिकट, इफ यू सी टिकट के साथ क्या कर सकते हैं, टिकट में कोई कंसिस्टेंसी है नहीं. सो व्हाट वी कैन डू इज राइट दैट और बाद में एक स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम कर सकते हैं ताकि इस टिकट कॉलम के ऊपर हम लेट्स सी वी कैन डू एनी एनालिसिस ऑन. यहाँ पे मैंने लिख लिया टिकट इज इनकंसिस्टेंट. नाउ इफ यू सी द नेम कॉलम,
नेम इज अ यूनिक कॉलम राइट, मतलब हर वैल्यू यूनिक होगा, क्या नेम कॉलम हमारा एनालिसिस में कोई हेल्प कर सकता है क्या? कर सकता है, आई विल शो यू। एज कॉलम है ना, एज कॉलम में बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज हैं 200 के ऊपर, वो फिल करने में नेम काम है। आई शो यू हाउ, सो स्टे ट्यून फॉर द थर्ड वीडियो, नहीं सेकेंड वीडियो। पैसेंजर आईडी, यही एक बच गया, नहीं एयर भी बचा है। पैसेंजर आईडी, तो पैसेंजर आईडी बोल रहा है, इट बेसिकली टेल्स यू, इट इज़ एन यूनिक कॉलम, अभी के लिए रखते हैं, अभी के लिए कुछ नोट डाउन नहीं करते हैं। नाउ वी हैव दिस फेयर कॉलम, फेयर कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है और ये फ्लोट में है, चलो लेट्स कीप दिस एज फ्लोट और कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। सो वी हैव ऑलमोस्ट सीन आवर होल डेटा और मैंने यही सारे क्वालिटी इश्यूज निकाले अभी के लिए। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सॉल्विंग दीज इश्यूज, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।